हेलो गाइस, माय नेम इज अनुभव एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव स्क्रू। सो सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत पहले ही कह दिया था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है थंबनेल लगाने में, तो यूट्यूब स्टोरी कह रहा है कि आप थंबनेल नहीं लगा सकते हो, ये वो। कई सारे कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे, वीडियो बना के भेजी, तो सॉरी यार मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे पीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम चल रहे थे और अभी मेरे आने वाले भी हैं पीटी सेकंड के, जिसे हाफ ईयरली कहते हैं। यार ऑनलाइन क्लास में आप जानते हो कितना सारा काम दे देते हैं, तो बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियोस बनाने का, तो उसके लिए सॉरी। पर आज की वीडियो जो होने वाली है वो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा जो यूट्यूब स्टूडियो पे प्रॉब्लम आती है कि आप अपना थंबनेल नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपका चैनल वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि उसमें कस्टम लोगोज इनेबल नहीं होते हैं। जब आपका चैनल वेरीफाई होगा तभी आप उसमें कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, मतलब अपनी गैलरी से चूज़ करके लगा सकते हैं। सो कई बार ये यूट्यूब पे प्रॉब्लम आती है, कई लोग को आती है, क्योंकि मेन रीज़न यही होता है कि उनका चैनल वेरीफाई नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। बहुत सिंपल होता है, आप सभी लोग एक मिनट में कर लोगे। मैं जानता हूँ मेरी पब्लिक बहुत स्मार्ट है। तो सबसे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको YouTube से रिलेटेड और साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके आपको सिंपल सा एक www.youtube.com पे जाना है। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब लेके यहाँ पे चला जाता हूँ www.youtube.com एंड सर्च फॉर इट। देन आपको उस आईडी से लॉग इन करना है जिस पे आपका मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है जो YouTube स्टूडियो बता रहा है कि मतलब आपको मेन आईडी से लॉग इन करना है जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है, मेरी एक आईडी है यहाँ पे जो मेरी अनुभव गौतम वाली आईडी है, तो मैंने इससे लॉग इन कर दिया। तो आपको सिंपल सा उसी आईडी से लॉग इन कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा क्रोम अपडेट नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री डॉट्स बन के आ रहे हैं, तो आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा। डेस्कटॉप साइट का मतलब होता है आप अपने मोबाइल में पीसी की साइट चला सकते हो, और यही एक तरीका होता है कि कई सारे जो ऐप्स ओपन होते हैं, कई सारे फीचर्स होते हैं जो आपको पीसी के देखने को मिल जाते हैं डेस्कटॉप साइट में। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और इस साइट को लोड होने देना है प्रॉपर, नहीं तो आपको कई सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे अगर लोड नहीं होने देंगे आप। तो ये देखिए मेरी साइट मतलब यूट्यूब की साइट लोड हो रही है, बहुत आसान होता है, आप सभी लोग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपको अपने लोगो मतलब आइकन पे क्लिक करना है, जो आईडी का आइकन होता है, सिंपल सा आप उस पर क्लिक करके, और आपको योर चैनल का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और सिंपल सा आप यहाँ पर पेज पे आ जाएंगे अपने। अभी ये मेरा चैनल नहीं है, एक्चुअली आईडी है। तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल दिख रहा होगा, तो जस्ट क्लिक ऑन कस्टमाइज चैनल एंड आपको यहाँ पर ये ले आएगा। बीच में आपसे पूछ सकता है कि क्या आप YouTube स्टूडियो से कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब जो आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल है, अगर आपके में YouTube स्टूडियो ऐप इंस्टॉल होगा तो बीच में आपसे पूछेगा कि क्या आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप कहीं उसमें आप नीचे ऑप्शन लिखा होगा नो, मतलब मैं YouTube ऑनलाइन ही सही हूँ, मतलब मैं यहीं पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सो आपको ये पेज खुल के आ जाएगा कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सेटिंग का निशान देख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आपको बता दूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको सेटिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, सॉरी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ पर सरल है, आप सभी लोग कर लोगे, इतना कठिन नहीं है। प्लीज़ जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करिए। आपको यहाँ पर अब चैनल दिख रहा होगा, चैनल पे क्लिक करना है आपको, ये ऑप्शन दिख रहा है जो, हाँ देखिए ये अब ये खुल गया है क्योंकि ये पीसी की एक डेस्कटॉप साइट है तो काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में कोई चीज़ को। तो आपको यहाँ पर फीचर्स एंड एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब ये क्रोम अपडेट हो चुका है, मतलब जो YouTube है उसने अपडेट कर दिया है, तो क्लासिक वर्जन था उसमें काफ़ी सरल रहता था, इसमें थोड़ा कठिन हो गया, पर कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत जल्दी कर लो गया। अब यहाँ पे आप फीचर्स दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा होगा वेरीफाई फ़ोन नंबर, बस हमें यही करना होता है क्योंकि यही वेरीफिकेशन का एक जरिया होता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको ये यहाँ ला देगा। आपको खुलने देना है जो भी खुल रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए कंट्री चूज़ करने को दे रहा है, तो आपको सिंपल सा यहाँ कंट्री इंडिया है, तो भाई जय हिंद। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा दो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि आप जो वेरिफिकेशन कोड है वो आप किस तरह से लाना चाहते हैं, मतलब हम किस तरह से आपको भेजें। तो आपको यहाँ टेक्स्ट में कर देना है
अब आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर भर देना है, जो भी आपका हो या जिससे आप कराना चाहें। हाँ ध्यान रखिए, वो आगे चल के आपका मेन हो, मतलब ऐसा ना हो आप किसी का भी भर दो, फूफा चाची मामा, और फिर वो चले जाएँ तो आपका OTP भी ना आए। तो अपना भरिए जो आपके पास फ़ोन रखा हो। तो मैं इसी नंबर का भर देता हूँ। मैंने डाल दिया, अब मैं सबमिट कर दूंगा। अभी मेरे मोबाइल पे क्या होगा, एक OTP आएगा, जस्ट वेट, आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप सिंपल सा दूसरा नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर आ चुका है और मैं यहाँ पे अपना OTP डाल देता हूँ। देखिए, और ये देखिए गाइस, मतलब हो चुका है आपका चैनल वेरीफाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। अगर अब आपको क्या है, यूट्यूब स्टूडियो में एक बार रिफ्रेश करके या फिर दूसरी आईडी लॉगिन करके अपनी वही आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको कस्टम थंबनेल्स का ऑप्शन इनेबल हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।